चलते की Hey guys, welcome back to my channel, Rahul.Mampi. तो आज सारा दिन ब्लॉगिंग नहीं किए थे, मम्पी और राहुल वाले में ब्लॉगिंग किए थे और इसमें कोई भी आईडी पे नहीं हुआ था क्योंकि मायरा कुछ भी नहीं खा रही है, उसमें थोड़ा सा टेंशन में पड़ गए थे। लेकिन अभी वो क्या होता है ना, चौदत्ता बोलता है, वो आता है शायद उस टाइम नहीं खाता है बच्चा, पर अभी भी नहीं खाई। लेकिन खुश इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि अभी उसको दिखा के लाए तो जो मेरी दीदी है वहाँ उस घर में, भाभी बोले अभी खा सकेगी, तो अभी फिर 5 मिनट बाद उसको खिलाएंगे, देखेंगे खाती कि नहीं। और ये लड़का को भूख लगा है, ये लड़का को देख सकते हो आप लोग, लेकिन इसको खाना नहीं है, इसको चाउमीन का भूख लगा है, चाउमीन रसमलाई ये सब का भूख लगा है। तो ये सब भी मिलेगा तब भी खाएगी, भूख लगता है तो इंसान कुछ भी खाता है, लेकिन नहीं, इसको चाहिए आइसक्रीम। क्या चाहिए? स्माइल देख रहे हो। तो चलो अभी मायरा को हम खाना खिलाएंगे, होप खा ले, क्योंकि सुबह से मेरा मूड भी ऑफ था। प्रिया के साथ थोड़ा सा मार्केटिंग गए थे, उसका व्लॉग में आप लोगों को देखने को मिल ही जाएगा। तो वहाँ से आए ना, वहाँ से मेरा मूड थोड़ा सा फ्रेश हुआ, नहीं तो उसके पहले बहुत मूड ठीक ही नहीं था और बेडरूम भी साफ नहीं है सुबह से, मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा था, हम भी एकदम फूस जैसे हो गए थे। अभी मायरा को खिलाएंगे, अगर खा लेगी तो बढ़िया बात है। तो चलो कुछ भी करेंगे, दिखाएंगे, क्योंकि सुबह से तो आज हम व्लॉगिंग नहीं किए हैं, बाबू किए थे इसलिए मम्पी और राहुल में दे पाए। अब देखोगे मायरा को, एक सेकेंड मायरा, मम्मा, ओ मायरा, देखो उसके कपड़ा गिर जा रहा है। दादी तू मरेगी, बस गिरी 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 गिरी। ई बाबा हट बदमाश, मेरा पैर का हालत देख ही सकते हो कितना बुरा हो गया, मतलब दिखाने लायक नहीं है। मायरा आज अभी मायरा को खिलाएंगे, अगर खा लेती उसके बाद हम मेरा बेडरूम साफ करेंगे और थोड़ा सा मेरा पैर को हाथ को सुधारेंगे, इंसान की तरह करेंगे, इंसान की तरह। हम आपको दिखा सकते हैं क्या? नहीं रे, क्या हुआ क्या हुआ, बोलो ना क्या हुआ, क्या हुआ? हंसुआ है मम्मी का, किधर जाने बोल रही हो तू? हम बता दो बात, बाटला तुम ब्लॉग बना रहे थोड़ा सा, बाटला देखो मुहा पर चढ़ गया, कितना बड़ा हंसुआ मम्मी मुहा पर चढ़ गया, कहाँ पे चढ़ गया मुहा पर चढ़ गया, यहाँ हंसुआ ऐसे था, बताइए देखने का क्या कर रही थी? अब क्या कर रही, खतरनाक है अपना, आई साला खजाने में बिस्किट छुपा के रखती है लड़की। हाँ इधर कौन खजाना है यार, और कुछ है क्या उसमें? खजाना में बिस्किट है, खजाने में बस बिस्किट है। ये हम खाएंगे, ये तो मेरी दादी ऐसी करती थी, छुपा के रखती थी, मम्मी एकदम दादी जैसी बन गई है। मम्मी का नहीं है, एको कमेंट क्या कहता पता है कि प्रिया हमेशा बाल खुले कहे रखती है, इसको गर्मी उर्मी नहीं लगता है क्या है? जब देखते हैं बाल खुले रखती है एकदम, बाल के नीचे कूलर लगती है, खुद हवा हवा ही है तो क्या लगेगा इसको? बोला हम हमसे ही हवा देते हैं, छोड़ दो जाने दो, हवा हवा ही करो तुम। मम्मी बोलते आओ, मम्मी मम्मी क्या कर रही
क्या बोलते कि मेरा दादी भी ऐसे बिस्किट छुपा के रखती थी। तो मामा नहीं करे लेकिन छुपा दे बेड वक्त आराम में। पापा लिया छुपा रख लो, छुपा के खा लेना वही। हम जो खाए ले तो खाई कर ले तू चिकन मम्मी। हम चोरी छुपके गए ना ऐसे करके छुपके बैठ के नीचे से निकल कुंजी निकाल ली यार चोरी चोरी। सब बहन का एक ही आदत है मौसी भी छुपा के रखे ना। देखिए हर औरत का यही काम है खाना। देख ये जैसे खत्म हो गया बिस्किट बाहर ठीक है ईद था तभी तो मिला मार खा जाएगा खाए मार खा राहुल ने खाए मार मम्मी से क्यों ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्या क्योंकि तुम लात खाओगी ना मतलब कहे का मतलब कि छुपा के रखे ले ना, नीचे तो मामा नहीं करे ले जो की करवे जो की करवे जो तू दादी बने ले जो कल दादी बोला तेरे पप्पा लाके देते कि तेरे पप्पा लाके देते आप बिस्कुट लेके बात हो रहा था ना बिस्कुट लेके मेरा दादी है ना हम चाय नहीं पीते थे हम जाते थे तो दादी बोलती है मछली मम्मी को कि इसको चाय पिलाओ तो मछली मम्मी बोली वो चाय नहीं पीती है अरे बिस्कुट वाला डिब्बा तो आके खा लो जो रख दे वही बोला था कि मामा ऐसे छुपा मतलब आपके पास तो बिस्किट है आप दे दीजिए तो दादी गुस्सा के बोले हमने गौतम ने पप्पा ला के दे तो बिस्किट वा तू पप्पा ला के दे तो बिस्किट अभी भी तो रखती है ना तेरे और दादी का एक्टिंग करो थोड़ा सा दादी का एक्टिंग करो तो बोली जो ना दे जो ना दे पार्टी हम मारे मार के एकदम लाल कर दी पिटी है पूरा मेरा दादी वो बुढ़िया दादी हमारे बुढ़िया नहीं है दादी है बुढ़िया दादी मिस कर गए ना दादी तो मिस कर गए सॉरी लगा ओमा बोले की मम्मी हमको भी लगा ऐसे हड्डी ना ऐसे सही में बहुत ताकत है दादी, दादी को लगा 80-85 तो होवे करे मारा रो रही थी ना तो दादी को लगा हम मारे तो बोले की मारी तो अरे सोनमा ने क्या बोलती है कितना बोलती की मतलब उनके पास जो सोना का है ना जो भी उनका पैर दाब दे ना थोड़ा सा उसको बोलेगा हम मेरा जितना जेवर है तुमको दे देंगे हम सोचते कितना जेवर दादी के पास और लेकिन आज तक उनको भी नहीं मिला एक भी उनको किसी को नहीं मिला ना मम्मी मामपी को मिल जाएगा क्या अरे जिस दिन हम नया आए थे ना उस दिन हम लालच में दादी का बहुत पैर दबाए बहुत लालच में आखिर सच पता चल गया ना आखिर सच पता चल गया फिर हम बोले हाँ दादी तो बोलिए हमें कितना बड़ा इम्मू है ज़्यादा आसुबे बड़ा हुआ ना फिर ना लालच के मारे पैर दबे और फिर ना हमको वेट करे कब देगा सोना कब लास्ट तक वेट करते रह भाभी को जाके बोले हमने भाभी हमको नहीं दिए तो भाभी खूब जोर से हंसकर बोले कि हम मेरा इस घर में शादी करे हुए छीके तो लग गया हमें बकवास का हुआ इसको गर्मी भी लगा अच्छा ठीक है चलो देते हैं चल चल छोड़ो तुम खिलाओ उसको छोड़ो स्टोरी बाद में सुना ला लेकिन यही है कि तुमने लालच में किया क्या नाम पहले ही दबा रहे थे गाइस लेकिन लालच बाद में दिया इसीलिए हमारे पास जेवर का देखेला तो नाम भी जेवर नहीं हम पहले से दबा रहे थे हमको जेवर का लालच बाद में दिया गया था तो उसका भी लालच हुआ कि बेटा हम लोग बहुत तोर पर दबाई भाभी बोलती कि मेरा इतना साल शादी हो गया हमको तो एक जेवर नहीं मिला तुमको मिलेगा जेवर ओके तो मैं ये सब वीडियो आप देख लेना ठीक है नो डिलीट वर्ल्डी
काय है टाइप हमको कोई पिटाई नहीं। तो अभी मायरा खाना खाने वाली है, खाना खाने वाली है। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं। आपको बिस्किट खाना है क्योंकि हम और निकालने जाएंगे? नहीं, हमने खाएंगे, हम जिंदा हैं। हम और खाएंगे और मायरा खाएंगे। ओके बाय, लव यू, टेक केयर। मायरा बाय कर दो इधर, मायरा बाय कर दो इधर।